हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला और बहुत ही आसान बनने वाला ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसको हम स्वेटर में बना सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में, अपनी जैकेट में, या किसी भी चीज़ में, स्टॉल वगैरह में, मफरल में, किसी में भी बना सकते हैं। ये बहुत आसानी से बन जाता है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक सिंपल चेन बना ली है। नेक्स्ट लाइन से हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तीन डबल चेन लेंगे, तीन, और एक को स्किप करते हुए दूसरे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक को स्किप करेंगे, दूसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। एक को स्किप करते हुए दूसरे में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद धागा चेंज करेंगे। मैंने कलर चेंज कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ से तीन चेन लेंगे, एक, दो, तीन, और यहाँ जहाँ हमने डबल क्रोशिया लिए थे दो, इनके बीच में दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक, नेक्स्ट में भी जहाँ हमने दो डबल क्रोशिया लिए थे उनके बीच में दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक, दो। इसी तरीके से हम ये वाली रो को कंप्लीट कर लेंगे, जो हमारे डबल क्रोशिया हैं के सेंटर में दो डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। और ये लास्ट में तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक नेक्स्ट लाइन में फिर तीन चेन लेंगे, एक, दो, तीन, और यहाँ जो हमारे डबल क्रोशिया है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पैटर्न बहुत ही आसान है और देखने में सुंदर लगता है, तो ये ही हमें जो है पैटर्न रिपीट करते चले जाना है। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इनमें हमें इसके ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाते हुए दो दो लाइन से कंप्लीट बनाते चले जाना है। ये मैं थोड़ा सा और बड़ा बना के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, कितना सुंदर डिज़ाइन बना है। अगर आप क्रोशिया में नए हों तब भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बनाना बहुत आसान है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसमें स्वेटर या फिर बेबीज़ की स्वेटर बना सकते हो, जैकेट बना सकते हो। तो ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।